और भावे क्या हाल चाल है यार, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यार, अभी मैं जा रहा हूँ बैंकॉक, ठीक है, और उसके बाद में मिलते हैं, आपको बताता रहूँगा क्या क्या है। अभी मैंने पासपोर्ट लिया है, ठीक है, और मेरा टिकट भी रेडी हो गया है, ठीक है, बोर्डिंग पास मिल गया है, कुछ पासपोर्ट है ये मेरा जिसको कैरी करना पड़ता है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। अभी मेरा फ़्लाइट का टाइम हो गया है बेसिकली, ठीक है। भाई देख रहे हो, 200 बाट की आपको 6 कॉपीज मिलेगी, 200 बाट कुछ 400 से थोड़ा ऊपर हो गया, 420 रुपए कुछ। तो बावे देख रहे हो यार, कोई टिपिंग नहीं, हिंदी में लिख रखा है, और ये अपना थाईलैंड एयरपोर्ट है, ठीक है, जो कि बैंकॉक, और वो है अपना वीज़ा ऑन अराइवल, देख सकते होगे वहाँ पे। और मैंने अभी कंप्लीट कर लिया भाई अपना फॉर्म, ठीक है, और ये बस अब गम ढूंढ रहे हैं भाई, और पासपोर्ट रेडी है, सारी चीज़ें रेडी है, बाकी चीज़ें बताऊंगा। तो यार ये मेरे भाई है साथ में, क्या नाम है भाई? सुमित। सुमित नाम है भाई का, और यार अभी इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। किस चीज़ के अंदर? पेन इन्होंने हेल्प करा के दिया, बाकी मेरे को फॉर्म कैसे भरना है उसमें भी बहुत हेल्प किया भाई ने। और आप अभी के चाइना? अभी मेरे को निकलना है हॉन्गकॉन्ग 12 दिन। अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ यार, मेरा हो गया है यहाँ से इमिग्रेशन कंप्लीट, और अब मैं बस अपने होटल के लिए जा रहा हूँ, अभी एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ और है यार, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी इमिग्रेशन की, उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि यार एक प्रॉपर वीडियो ही पूरा नॉलेज दे पाऊँगा। अब यहाँ पर मेरे को होटल के लिए भी निकलना है, भगना पड़ेगा थोड़ा सा, जो कि मेरा मैड मंकी है, ठीक है। तो बाकी तो सब चिल है, और चलते हैं आगे और दिखाता हूँ कैसे कैसे होटल में जाने वाले हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे लोगों को यार, एक तो इंग्लिश नहीं आती है ना, यहाँ पे इंग्लिश आती है पर वही है, थोड़ी थोड़ी सी है इनकी, थाईलैंड के लोगों की, जो थाईलैंड का पुलिस डिपार्टमेंट है। और बाकी हिंदी तो फिर कहाँ ही जानेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और चीज़ें, इसलिए मैं पूरा प्रॉपर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो अभी तक के लिए यही है भाई, और मैंने आपको बताया था यार, मैं कोलकाता से आया हूँ अभी बैंकॉक। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तो दिल्ली से मैं आया हूँ कोलकाता, कोलकाता से यहाँ पर, और जो मेरे को फ़्लाइट टिकट लगा है दैट इज़ 4,200। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं दिया है, और कुछ इमिग्रेशन में मेरे को लगे थे कुछ, मेरे ख्याल से आधा घंटा, 45 मिनट्स, ठीक है। तो चलते हैं फिर मेरे होटल के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा नज़ारा है भाई बैंकॉक एयरपोर्ट का, वो यहाँ पे टैक्सी सर्विस मिल रही है, और वो दिख रहा है वो भाई अपना, वो सिम बेच रहा है भाई, तो यहाँ पे आप सिम ले सकते हो, ठीक है। तो भाई ये है एयरपोर्ट पे 7-Eleven, जहाँ पे आप बहुत कुछ खरीद सकते हो। तो भावे अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे, ठीक है, मतलब एयरपोर्ट के बाहर बस स्टॉप है, देखो यहाँ पे बस स्टॉप है, और मैं जा रहा हूँ खाओ सांग, ठीक है। तो खाओ सांग यहाँ से 59 नंबर बस जाती है, वहाँ पे मेरा हॉस्टल है जो कि मैड मंकी है। तो देखते हैं, अभी बस का वेट कर रहा हूँ, और
अभी कुछ नज़ारे ऐसे हैं यहाँ पे, ये पिंक कलर की जो दिख रही है ये कैब्स हैं और येलो कलर की भी कैब है। बैठ गया हूँ मैं बस में और बाहर से देखो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, इसका कांच धुंधला है। तो बावे ये है कुछ बस की टिकट जो कि है 25 भाग। तो बावे फिर उतर गया हूँ मैं अभी बस से, ठीक है, और अब मैं आ गया हूँ खाओ संग रोड, ठीक है, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है मैड मंकी, तो अभी वहीं के लिए जा रहा हूँ। और एक और चीज़ बता दो यार भाई, जो बस थी बड़ी अच्छी बस थी, मेरे से टोटल जो मेरा किराया लगा था वो था 25 भात, ठीक है, और बहुत किलोमीटर थे यार, मेरे ख्याल से 35 किलोमीटर कुछ था, मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर एयरपोर्ट से एक बार देख लेना खाओ संग कितना है, बाकी मैं लिख दूंगा क्योंकि अभी तो भाई मेरे को पता नहीं है, नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। तो भाई खाओ संग उसने छोड़ा 25 भात में, एसी बस थी और लोग भी वहाँ के इतने प्यारे थे, मतलब प्यारे तो क्या, मतलब वहाँ पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सब चुप रहते हैं भाई, जैसे अपने इंडिया की बसों में देखोगे तुम लोग यार, ची ची चै चै चा चा पू पू, वो वाली चीज ही नहीं है भाई, यहाँ पे बंदे बिल्कुल शांत रहते हैं, शांत मतलब कुछ बोलेंगे ही नहीं बावे तुमसे, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, बट फिर ठीक है, पर रास्ता भी बता देते हैं आपको कभी कभी, पर वही है ना उनको आती नहीं यार इंग्लिश, और बस थाई लैंग्वेज आती है तो वो भी क्या बात करेंगे बेचारे, बेचारे तो कहाँ है यार भाई, उनको थाई लैंग्वेज आती है यार। तो चलते हैं और अपना हॉस्टल देख रहा हूँ। ये स्टारबक्स कॉफ़ी है और ये अपना बर्गर किंग है, वाओ, और ये टुक टुक है भाई, छोटे छोटे पीली कलर की टैक्सी, और ये पता नहीं जुगाड़ बना के ले जा रहा है, पता नहीं क्या ले जा रहा है ये यहाँ पर। सही है भाई, ऐसा ही है भाई, ये खाओ संग है, इसे मतलब बैकपैकर स्ट्रीट भी बोलते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स लोग मिल जाएंगे, खाओ संग रोड बैकपैकर्स मतलब सारे अपने ज़्यादातर सस्ते सस्ते रूम भी मिलते हैं। अभी मेरे को एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला था वहाँ पे, एक बंदा था उससे पूछ रहा था रास्ता, तो हुआ क्या वहाँ पे उसने भी है ना भाई इंडियन रेस्टोरेंट भी है और होटल भी बना रखा है, कुछ वो ले रहा है 350 भात एसी वाले रूम के और 250 भात ले रहा है वो नॉन एसी रूम के, तो क्या बुरा यार, 500 रुपये में रुका हुआ था वो भी। तो बावे फिर पहुंच गया हूँ फाइनली मैड मंकी, ठीक है, और सामने ही है मेरे थोड़ा सा भाई, तुम यकीन मानोगे बहुत लोगों से पूछा, और मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे, देखो कुछ ये मैं पी रहा हूँ यार ऑरेंज जूस, ये बताना भूल गया था, ऑरेंज जूस है जो कि मेरे को पड़ी है 6 भात की, ऑरेंज अच्छा सा जूस है भाई, टेस्टी है, सबसे सस्ता है 7-Eleven में, यही था मैंने यही उठा लिया भाई, और टेस्टी भी है देखा जाए तो, ऑरेंज वैसे भी यार जूस अच्छा लगता है भाई, गर्मी भी इतनी हो रही है। तो मैड मंकी पहुँच गए और बहुत लोगों से रास्ता पूछा था भाई, पर यहाँ के लोगों को देखो प्रॉब्लम बस यही है, उनको भाषा नहीं आती, नहीं तो बताने की इतनी कोशिश करते हैं, मैंने 2-3 लोगों से बात करी भाई, इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग है, तो फिर भाई थोड़ा हुआ क्या, मैंने उनसे बोला कि भाई ये है मैड मंकी, देखते रहेंगे भाई आपको और कोशिश करेंगे बताने की, बट बता नहीं पाते, बस यही होता है, ऐसे बोलते हैं भाई एड्रेस यू नो। तो बावे अभी मैं ले रहा हूँ सिम कार्ड जो कि मेरे को कुछ पड़ रहा है, मैं एक बार प्लान्स बता देता हूँ आपको क्या क्या है, एक मिल जाता है आपको 7, मैं अभी 30 दिन वाला ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था मैं 15 दिन हूँ यहाँ पर, तो मेरे को पड़ रहा है 400 भात का जो कि पड़ जाएगा कुछ 850 रुपये कुछ का, और वो है 15 GB और 4 Mbps का, ठीक है, तो ये प्लान है, दिखा दो आपको ये प्लान्स हैं, कुछ इस तरह के प्लान है जो अभी भैया दे रहे हैं ये रहे, और अभी मेरा इंटरनेट चालू करके दे रहे हैं, एक्टिवेट करके दे रहे हैं भाई, ये जो सिम है ये है डी टैक की, यहाँ पे देख सकते हो यार यहाँ पे लिखा हुआ है डी टैक और 4G है, ठीक है। तो यार ये पैनकेक मिल रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे,
जो कुछ है 12 बात के। और देखो आंटी बना रही है हमारी प्यारी सी, देख रहे हो प्यार से बनाते हैं यार ये। और मैंने अपने लिए एक लिया है भाई, और कुछ 12 भात का है जो कि अपने 24 रुपए के लमसम में कुछ हो गया। तो ये अपना पैनकेक बहुत टेस्टी है भाई, और खाया नहीं है उससे पहले ही दिखने में लग रहा है, अब टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। वाओ पैनकेक मीठा है, कोकोनट डाल रखा है इसके अंदर, मीठा डाल रखा है और चाशनी टाइप, और बहुत बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत ही अच्छा है, सुंदर तो है ही भाई दिखने में, बाकी ऊपर से क्रिस्पी है, तो दोनों टेस्ट आ रहे हैं। कुछ ऐसा मेरे हॉस्टल का नज़ारा है यहाँ से। और क्या हाल चाल है बावे तुम लोगों का? तो यार अभी मैं जा रहा हूँ पब क्रॉल के लिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। Yeah, go, dude.